हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनु शील को। तो स्वागत है आप सभी का फेसबुक पेज का एबीसीडी शो का 20th एपिसोड पे। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड पे भी आप लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिखाया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हो, वहां से ही मैंने आज के एपिसोड के लिए बेस्ट 5 क्वेश्चन को पिक किया। तो शुरू करता हूं अभी फेसबुक पेज का एबीसीडी शो का नया एपिसोड को। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे जनों ने जो क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे पूछते हो उसके ऊपर ही आज का ये शो है। तो पहला क्वेश्चन जो आप में से पूछा गया है वो है, कैन वी मोनेटाइज मीम्स स्लाइड शो वीडियो विथ इनस्ट्रीम एड्स। मतलब के आप क्या फेसबुक पेज पे स्लाइड शो वाला वीडियो यूज कर सकते हो, क्या वो वीडियो इनस्ट्रीम एड्स से मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं होगा, और वो मैंने ऑलरेडी पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे बता के रखा हो। आप लोग कृपया पार्टनर मोनेटाइजेशन प्लेलिस्ट को अच्छे से देखिए, 12 वीडियो है वहाँ पे, आपको फेसबुक पे क्या कर सकते हो और क्या नहीं उसके बारे में डिटेल में मालूम पड़ेगा। बताओ अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है, सर मैं नेपाल से हूँ, मेरा पेज कैसे मोनेटाइज होगा, नेपाल पे तो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो हाँ, ये आपने सच बताया, नेपाल एलिजिबल कंट्री पे नहीं आता है इनस्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन के लिए। मगर आपको एज ए क्रिएटर नेपाल से या फिर आप अगर पाकिस्तान से हो तो कैसे पेज को मोनेटाइज किया जाता है उसके ऊपर डिटेलिंग में चैनल पे वीडियो है। मैंने वो वीडियो सिर्फ पाकिस्तान के पेज के ऊपर बना के दिखाया, तो नेपाल वाले भाई बहन भी उसी वीडियो को फॉलो करो कि पाकिस्तान मोनेटाइज कंट्री पे ना होते हुए भी कैसे मोनेटाइज किया जाता है, कैसे आप लोग कर सकते हो, डिटेल में वीडियो है। तो चैनल पे थोड़ा सा ढूंढ लीजिए और उस वीडियो को देखिए, तो आपको पता चल जाएगा दो आपका कंट्री एलिजिबल कंट्री में नहीं आता है मगर फिर भी आप कैसे नेपाल से बैठ के अपने पेज को मोनेटाइज कर सकते हो इनस्ट्रीम ऐड के द्वारा। बढ़ता हुआ अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे पूछा गया है, अगर 10K फॉलोअर्स से पहले 30K व्यू जो होता है वो कंप्लीट हो जाए तो कोई दिक्कत होगा क्या मोनेटाइजेशन पे। ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक मुझसे पूछा गया, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया आज के एपिसोड पे। कोई दिक्कत नहीं है, आपका 30,000 व्यू अगर 10,000 फॉलोअर होने से पहले भी कंप्लीट होता है मगर कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज़्यादा आपका व्यू होगा उतना ज़्यादा पेज के कंटेंट को रीच मिलेगा, पेज पे एंगेजमेंट होगा और उतना ही आपका पेज जो है ग्रो होगा। यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। जब भी आपका 10K फॉलोअर कंप्लीट होता है, जिस दिन भी कंप्लीट होता है, उस दिन से लेके कोई भी लास्ट 60 डेज में, आप लोग समझ लीजिए अच्छे से कि लास्ट 60 डेज का मतलब हो सकता है कोई भी लास्ट 60 डेज में। मान लो मैंने आज 10K फॉलोअर कंप्लीट किया, अब हो सकता है मैं अगले 2 महीने पे 30,000 व्यू कंप्लीट नहीं कर पाया, फिर अगले 4-5 महीने बाद कोई भी 1-2 महीने में मैंने 30,000 का जो व्यू है वो कंप्लीट कर लिया, भले मेरे पेज पे अभी 12K फॉलोअर हो गया, उस टाइम पे जाके कोई भी लास्ट 2 महीने में मैंने 30K व्यू कंप्लीट किया तो भी मेरा पेज एलिजिबल हो जाएगा मोनेटाइजेशन का। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब से मैं पेज ओपन करूँगा तब से लेके 2 महीने या फिर जब मेरा 10,000 कंप्लीट होगा उस टाइम से लेके 2 महीने, वो कोई भी 2 महीने हो सकता है। तो आशा करता हूँ आज इस बात को मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को। अब जो अगला क्वेश्चन आया है वो बहुत ज्यादा आता है, इसीलिए मैंने पिक किया। पॉलिसी इशू आया था पेज पे, अपील किया पर अपील जो है वो सबमिट नहीं हो रहा है। ये अभी का एक कॉमन क्वेश्चन है कि सर मेरे पेज पे इनऑथेंटिक का एंगेजमेंट आया था, सर मेरे पेज पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू आया था, सर मेरे पेज पे आर्टिफिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट का इशू आया था, और ना जाने कितने कितने सारे पॉलिसी इशू आया था। मगर यहाँ पे अपील बटन जो है उस जब भी हम लोग जाके सबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अपील ले नहीं रहा है, वो अपील फेसबुक पे सबमिट नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे रेस्पॉन्स मुझे आता है और इसका एक ही जवाब है कि फेसबुक अभी फिलहाल उन सारे अपील बटन को डिसेबल करके रखा है उनके तरफ से, क्योंकि कोविड-19 के वजह से फेसबुक का जो एंटायर सिस्टम है अभी पूरा चेंज हो चुका है, वो ऑटोमेटिकली अभी मेंटेन किया जा रहा है। मैनुअल टीम सिर्फ और सिर्फ मेन काम के लिए है, और जो अपील वगैरह का काम है उसके लिए अभी टीम को बंद करके रखा है, इस वजह से आपका अपील सबमिट नहीं हो रहा है। अब
आप लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है सर फिर हम कब अपील सबमिट कर पाएंगे, जब कोविड 19 का जो इशू अभी पूरा दुनिया भर में चल रहा है उसका दी एंड होगा, उसके बाद ही सारे चीज़ जो है नॉर्मलाइज होगा और हो सकता है आपका अपील करने का ऑप्शन भी मिल जाए। मगर यहाँ पे आप लोगों को एज ए क्रिएटर दिमाग में जो रखना है वो है अपील करने से फेसबुक का एल्गोरिदम या फेसबुक का टीम आपके आपके जो पेज है उसका कोई भी इशू को सॉर्ट आउट नहीं करेगा, सॉल्व नहीं करेगा, सॉल्व आपको करना है। अगर आपका पेज पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है जिस रीज़न के वजह से गया है उसको आपको जाके आपके पेज पे ठीक करना है और उसके बाद 30-40 डेज तक आपको लगातार रेगुलरली ओरिजिनल कंटेंट पेज पे डालना है, तब जाके जो भी इशू आया है जो भी पॉलिसी वायोलेशन आया है वो ऑटोमेटिकली हल होगा। अपील करने से कुछ नहीं होता और अपील करने की ज़रूरत भी नहीं है, और अपील करके भी 99.99 केस पे वो लोग एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर अपील अपील आप लोग क्यों परे रहते हो, अपील से कुछ फ़ायदा ही नहीं है। फ़ायदा तब होगा जब आप आपके पेज को जाके सुधार करोगे जो भी मिस्टेक किए हो, और सारे मिस्टेक के ऊपर सल्यूशन बता के ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारे हेल्थ चेकअप वीडियोज़ है, तो जो भी इशू आया है उससे रिलेटेड सर्च करो चैनल पे, आपको ढेर सारे वीडियो मिलेगा, सारे वीडियो देखो, क्योंकि एक ही जैसा इशू बहुत सारे रीज़न के वजह से आता है तो इक्का दुक्का वीडियो देख के कुछ हल नहीं होने वाला है। अगर प्लेटफॉर्म पे काम करना है तो चीज़ों को सीखना पड़ेगा, जब तक आपका नॉलेज ज़्यादा नहीं होगा, नॉलेज को आप अपग्रेड नहीं करोगे तब तक यहां पे सफलता आपको नहीं मिलेगा। आशा करता हूं ये क्वेश्चन का आंसर भी आज अच्छे से दे दिया। अब लास्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्रिएटर के मुंह में अभी यही क्वेश्चन आ रहा है, सर इनवॉइस नहीं मिला इस महीने का, क्या पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिला, क्या हम लोग अपील करें? भाई यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूँ, इस महीने का इनवॉइस किसी भी लोगों को नहीं मिला, जो 1 से 11 तारीख तक मिल जाना चाहिए था वो किसी को भी नहीं मिला। आप लोग टेंशन मत लो, किसी को नहीं मिला मतलब आपका कोई इशू नहीं है, इसका मतलब है फेसबुक का टीम जो है हो सकता है अभी लोग कम होने के वजह से या जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है उसके वजह से काम को करने में लेट कर रहा है या फिर डिले हो रहा है, तो या फिर उन लोगों का कोई टेक्निकल इशू है जिसके वजह से आप लोगों का इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है, ना तो पे आउट पे शो कर रहा है ना तो ईमेल पे आया है। यहाँ पे आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, अगर आपने सही तरीके से काम करके रखे हो और पैसा जनरेट कर लिए हो, रेवेन्यू इनकम कर लिए हो, तो आपको 21 तारीख के बाद आपके बैंक के खाते पे मिल जाएगा। 21 तारीख को फेसबुक रिलीज करेगा, उसके बाद उस अमाउंट आपके बैंक पे आएगा, फिर बैंक पे वो डॉलर रुपी पे कन्वर्ट होगा, और उस पे भी बहुत सारा प्रोसेस होता है जो बैंक वाले करते हैं, उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है। जब आपका बैंक जल्दी जल्दी इस काम को करेगा उतना ही जल्दी आपको चांस होगा आपके पैसे को मिलने का। तो सर आपने ये बता दिया 21 तारीख आएगा, 21 तारीख तक वेट करूंगा, 21 तारीख को नहीं आया तो क्या करूं? फिर आपको पूछूंगा 21 तारीख को नहीं आ सकता है क्योंकि 21 तारीख फेसबुक भेजेगा, उसके बाद बैंक कितना जल्दी प्रोसेस करेगा आपके अमाउंट को रुपी में कन्वर्ट करके मैनेजर अप्रूवल के साथ कब आपके अकाउंट पे डालेगा, तब जाके आपके अकाउंट पे मिलेगा। आप लोग 21 तारीख के बाद मुझे ये क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, सर हमें किस तारीख को मिलेगा? अरे भाई यहाँ पे डिपेंड करेगा आपका जो पर्टिकुलर बैंक है वो बैंक कितना जल्दी प्रोसेस करता है। अगर आपके बैंक 2 हफ्ते लेते हैं तो 2 हफ्ते बाद मिलेगा, अगर आपका बैंक 2 दिन में कर देते हैं तो 2 दिन में ही मिल जाएगा। ये कॉम्प्लीटली डिपेंड करेगा आपका बैंक कैसे काम कर रहा है। अगर आपने जो भी डिटेल्स डाल के रखे हो और जो भी अकाउंट को लिंक करे हो वो सब कुछ ठीक ठाक है, तो आशा करता हूँ आज के एपिसोड से काफ़ी सारे क्रिएटर लोगों को काफ़ी सारा डाउट क्लियर हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना, और हाँ दोस्तों अगर आप चाहते हो नेक्स्ट एपिसोड पे आपका ही क्वेश्चन पीक हो तो ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट पुट करना मत भूलना। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों, बाय।